Assalamu alaikum and welcome back to your class which is product sourcing. प्रोडक्ट सोर्सिंग की क्लास को मैं शॉर्ट शॉर्ट करके इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कंटेंट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है और आप लोग थोड़ी देर में ज़्यादा बात समझ सकें. यही वजह है कि मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रख रही हूँ लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. आई रिपीट, वीडियो इज़ शॉर्ट बट द कंटेंट इज़ वेरी यूज़फुल. एवरी सिंगल थिंग विच आई एम शेयरिंग विद यू, यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन, नोट इट डाउन एंड जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट, जस्ट बिकॉज आपको चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया होना है अमेजोन का. अदरवाइज आप ना तो इस पर अपना बिजनेस कर पाएंगे ना ही आप इसके VA बन पाएंगे क्योंकि आपको नोट्स को देखकर चीज़ों को याद करना है इन स्टार्ट, बट लेटर ऑन यू नीड टू टेल एवरीथिंग जस्ट लाइक इन सेकेंड्स, राइट? तो इसलिए आई रिपीट, नोट द थिंग्स डाउन, लर्न दैम आउट एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. तो अच्छा, अब पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन की बात की थी एंड आई सेड इट शुड बी बिटवीन 30 to 35%. वाई? क्या आप में से कोई बता सकता है क्यों? बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल, ताकि 25% स्ट्रेट अवे आपकी पॉकेट में जाए, आपका प्रॉफिट या आपके क्लाइंट का प्रॉफिट, और बाकी जो है वो 5 to 10% हमारा PPC यानी कि पे पर क्लिक या फिर स्पॉन्सर्ड एड्स रन करने के लिए अमेजोन पे हमारे पास मौजूद हो. ठीक है, स्टार्ट में हम अपने 25% में से भी कम रखेंगे एज अ प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा PPC पर रखेंगे, लेकिन वो एक अलग बात है. फिलहाल के लिए आपके जहन में 30 to 35% मार्जिन हो. पर अब सवाल आता है कि वो क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए ताकि जब आप निगोशिएट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो अपने सप्लायर के साथ, तो आपको पता हो आपने उससे क्या रेट लेना है ताकि आपके प्रॉफिट मार्जिन्स डिस्टर्ब ना हो. इट्स कॉल्ड द स्मार्ट प्लानिंग, इट्स कॉल्ड द प्री प्लानिंग. ओके ओके, नाउ हियर कम्स द FBA कैलकुलेटर. मैंने इसे ऑलरेडी लिखा हुआ था, मैं आपके लिए इसे दोबारा लिख देती हूँ. आपने गूगल के ऊपर सिंपल क्या करना है, Amazon FBA कैलकुलेटर लिखना है. अच्छा, आपको नीचे कैनेडा, USA, UAE भी नज़र आ रहा है, देख रहे हैं? UK का कैलकुलेटर विल बी डिफरेंट. इसकी वजह यह है कि वहाँ के टैक्स के लॉज डिफरेंट हैं. Amazon वहाँ डिफरेंट तरीके से काम करता है जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स दैट आर बींग रूल्ड बाई UK. तो इस और वैसे भी वहाँ की करेंसी चेंज है. USA का कैलकुलेटर वुड बी डिफरेंट बिकॉज USA के अंदर लॉज डिफरेंट है, प्लस उनकी करेंसी इज़ डॉलर, राइट? और कैनेडा इज़ डिफरेंट, UAE डिफरेंट. तो आप जिस मार्केट का भी कैलकुलेटर यूज़ करेंगे उसी का कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा. ये नहीं है कि आपने FBA कैलकुलेटर लिख दिया एंड दैट्स इट. आई रिपीट, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक. मैनी ऑफ द पीपल इवन डू नॉट नो दिस थिंग. आप उन्हें पूछिएगा, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर तुमने कहाँ से कैलकुलेट किया, तो दे विल बी सेइंग ओके आई यूज्ड अमेज़न FBA कैलकुलेटर, जो कि अमेज़न ने खुद प्रोवाइड किया हुआ है. लेकिन वो तुम्हें कभी ये नहीं बताएंगे कि वो UK का यूज़ किया उन्होंने या USA का. दे हैव नो आइडिया, राइट? बिकॉज दे वर नॉट बींग एवर टोल्ड हाउ टू वर्क स्मार्टली एंड यू नो दैट नाउ. तो हम FBA कैलकुलेटर USA यूज़ करेंगे. ठीक है, आप नीचे आएंगे, ये देखिए जहाँ sellercentral.amazon.com लिखा है उसके आगे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर लिखा है. डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैंने लिखा Amazon FBA कैलकुलेटर, Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर या sellercentral.com के साथ जुड़ा हुआ जो लिंक है इसी को आपने ओपन करना है, राइट? नाउ यू विल कंटिन्यू एज अ गेस्ट. आई रिपीट, साइन इन नहीं करना सेलर सेंट्रल में बिकॉज फिलहाल आपके पास सेलर सेंट्रल अकाउंट नहीं है. तो आपने कंटिन्यू एज गेस्ट करना है. ओके, सो हेयर यू गो, फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.com. ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी बताऊंगी जो कि मैंने पीछे अभी तक आपको नहीं बताई थी, और वो छोटी सी टर्मिनोलॉजी है एसिन. आपको यहाँ नजर आ रहा है ASIN, राइट? वो गायब हो गया. ओके, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या कहा. मैंने कहा एसिन, ASIN. ठीक है, Amazon एसिन नंबर, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर. आई रिपीट, Amazon आइडेंटिफिकेशन नंबर. Amazon ओपन करें और जो भी कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आई, जैसे हम बात कर रहे थे कल इसकी,
चले हम इसे नहीं खोलते, कम ऑन कम ऑन, हरी अप हरी अप, डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन शो मी समथिंग गुड, मे बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा ये प्रोडक्ट आपने ओपन कर लिया, ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी स्मार्ट ब्लूटूथ ऑडियो ग्लासेस, वाओ, FBA वाले यूज, FBA वाले यूज कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अमेजोन स्टैंड, सॉरी ASIN, मतलब एसिन भी कहते हैं इसको कुछ लोग, एसिन या ASIN इज अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप किसी भी पेज पे जाने के बाद नीचे आए, वैसे दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग यू नो, बट ये हमारी होम और किचन कैटेगरी में नहीं आ रही है, बट दिस इज वेरी गुड, फ्यूचर है इसका। अच्छा है, आप नीचे आए प्रोडक्ट पे, तो यहाँ आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई मिलती है, वहाँ आपको ये एसिन लिखा, ठीक है, ये दिस इज एसिन, राइट। और मैं हमेशा एसिन को ऊपर यहाँ कॉपी करती हूँ, ये देखें, ये जो बी से स्टार्ट होता है ना, बी स्लैश के आगे, बी से स्लैश से पहले तक ये एसिन होता है, देखें, ठीक है, तो मैं तो ऊपर से कॉपी करती हूँ, आप ऐसे स्मार्ट मत बनिएगा, अभी स्टार्ट में आप नीचे आके एसिन के सामने जो एसिन लिखा है इसे कॉपी करें, मतलब सपोज करें मैंने ये प्रोडक्ट डिसाइड की तो मैंने इसका एसिन कॉपी किया, कि ये एसिन अमेजोन देता है, ठीक है, ये एसिन नंबर इज लाइक, सपोज करें कि आपने अपने स्टोर में एक आइटम रखनी है सोप, तो अब आपके पास एक स्मार्ट मशीन पड़ी हुई है जिसके ऊपर बार कोड को स्कैन करके पता करके बताएंगे, कोई आपसे पूछता है सोप की प्राइस, तो आप स्कैन करके बताएंगे कि क्या है, तो आपके सिस्टम को कैसे पता था कि ये इसकी प्राइस है, बेसिकली बार कोड के साथ आपने अपनी इन्वेंट्री को कोई नाम दिया होगा, ठीक है, एक वो नाम होता है जो आप अपनी इन्वेंट्री को देते हैं, एक वो नाम होता है जो अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को देता है, मतलब आपकी प्रोडक्ट को, तो जो नाम अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को देता है उसको एसिन कहते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, हर एक प्रोडक्ट का अपना यूनिक नाम होगा, जैसे मेरा नाम तहरीम है तो आपका नाम सलमान है, किसी का नाम आयशा है तो कोई फातिमा है, ठीक है, बेशक दुनिया में बहुत सी आयशा है, बहुत सी फातिमा है, बहुत सी आमना है, लेकिन फिर भी हर एक यूनिक है, बिकॉज वी हैव यूनिक DNA, मे बी यूनिक ID कार्ड नंबर, राइट, हमारा अपना अपना नंबर होता है ID कार्ड नंबर, तो हर आयशा का अपना एक ID कार्ड नंबर है जिससे पता चलता है कि शी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन, तो इसी तरह से अमेजोन भी एक नंबर देता है जिसे एसिन कहते हैं, और उस एसिन की वजह से हर प्रोडक्ट को वो खुद से अपनी इन्वेंट्री में जज करता है, ठीक है, तो उस एसिन को, है आपने सपोज करें ये प्रोडक्ट सेल करने का सोचा, अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप क्या करेंगे, आप उसका एसिन कॉपी करेंगे और आप जाएंगे FBA कैलकुलेटर पे और ये फाइंड योर प्रोडक्ट और amazon.com पे जाकर आप इसको कंट्रोल वी कर देंगे और सर्च कर देंगे। देखें सेम प्रोडक्ट आ गई, ठीक है, WGP स्मार्ट ब्लूटूथ ऑडियो ग्लासेस, मेटल फ्रेम, ऑप्टिकल लेंस, रिप्लेसेबल फॉर रीडिंग, गेमिंग, ड्राइविंग, तो ये सेम प्रोडक्ट आ गई, Amazon ने आपको सेम प्रोडक्ट उठा के दिखा दी। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ये एक कैलकुलेटर आता है, इस कैलकुलेटर पे योर फुलफिलमेंट और अमेजोन फुलफिलमेंट दो ऑप्शन है साफ साफ, इसे छोड़ दें अभी, पहले ये देखें, ये बॉक्स, ठीक है, और दिस 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 दिस, लो 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 लो, डाउन डाउन, अप 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 अप, राइट, एंड योर फुलफिलमेंट मतलब यू नो फुलफिलमेंट बाय Amazon एंड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, आपको बताया था स्टार्ट में, हम हमेशा FBA को देखते हैं इसलिए हम इस पे ध्यान देंगे, हमने अपने वाली चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि वी आर गोइंग टू डू इट राइट, सो इस बॉक्स पे आपका फोकस होना चाहिए, एक बात तो ये क्लियर होगी। अब हम इधर से पढ़ते हैं, इधर से क्या लिखा है, आइटम की प्राइस, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे से शो भी करता है, आप इससे पढ़ भी सकते हैं इधर क्या लिखा है, अगर मैं आपको सादा जुबान में बता दूं, और कह रहा है कि आइटम की प्राइस को आपने क्या रखना है, ठीक है, यानी कि आइटम की प्राइस जो है वो आपने कितने में बेचना है, तो हम हमेशा अपने कंपेटिटर की प्राइस को देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसी को बेचना होता तो ये $99 की है, चले हम हम कोई अच्छी एग्जांपल लेते हैं, ये ज़रा थोड़ा सा किचन मैट कर लेते हैं, ओके ITCHEN, वैसे किचन मैट भी अच्छी एग्जांपल इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत सी वेरिएशंस होंगी, बट एनीवेज चलें फॉर एग्जांपल हमें ये अच्छा लगा, पर इसमें बहुत सी वेरिएशंस हैं। अच्छा एक एक वेरिएशन का भी अपना अपना एसिन होता है, ये मैं बता दूं, मतलब अगर एक का कलर ब्लैक है तो उसका अपना एसिन होगा, एक का ब्लू है तो उसका अपना एसिन होगा, यू नो व्हाई,
बिकॉज हर प्रोडक्ट को अमेजोन अपने हिसाब से एक नंबर या नाम देता है जो ऐसे होता है, तो इस वजह से चलें हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी, मैं ये बेचना चाहती हूँ, तो मुझे पहले क्या करना है, इसका एसिन कॉपी करना है जो मैं ऊपर से कॉपी करूँगी हमेशा की तरह। ठीक है, और मैं यहाँ जाकर ट्राई अनदर प्रोडक्ट को क्लिक कर दूंगी और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, और सर्च कर दूंगी, ये प्रोडक्ट आ गया। राइट, अब वो कहता है कि आइटम प्राइस, यानी तुम्हारी ये आइटम कितने की बेचोगे, तो मेरा कंपेटिटर इसे $30.99 में बेच रहा है, तो मैंने तो कम ही रखनी है ना, मैं एक नया सैलर हूँ, कोई मुझसे क्यों बाय करेगा, तो मुझे थोड़ा सा जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो प्राइस का होगा, तो मैं 29.99 कर देती हूँ, $1 कम कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स इसके नीचे कुछ नहीं है, आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर है शिप टू अमेज़न। शिप टू अमेज़न का मतलब क्या है कि वो वाली कॉस्ट आपकी जो के आपने अमेज़न के वेयर हाउस तक, जो अमेरिका में है या यूके में या कहीं पर भी है, आपके मैन्युफैक्चरर ने कहा मैं प्रोडक्ट तो बना कर दे देता हूँ तुम्हें, लेकिन मैंने तुम्हें जो भेजना है ना उसकी प्राइस मैं तुमसे अलहदा लूँगा। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना? ऑफ कोर्स मैंने जो अब अपनी फैक्ट्री में बैठ के जो आइटम बनाई है वो मैंने सपोज करें 11 रुपए की बनाई है, लेकिन अगर आप मुझे वो कहीं कराची भेज दो, तो भी कराची भेजने की कॉस्ट तो मैंने आपसे लेनी है कि नहीं लेनी, तो वो 11 वाली आइटम मैं आपको 13 रुपए में दूंगा, 14 रुपए में दूंगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना? यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। तो शिप टू अमेजोन का मतलब है द प्राइस विच मैन्युफैक्चरर विल कॉस्ट यू और टेक फ्रॉम यू व्हेन ही और शी और दे मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एट देयर यूनिट और द फैक्ट्री एंड सेंड इट टू अमेजोन वेयर हाउस। ओके, आपकी प्रोडक्ट को चाइना में बनाकर अपनी फैक्ट्री में वहां से उठाकर आपके अमेजोन के वेयर हाउस में, वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वहां पर भेजने की जो कॉस्ट है वो शिपिंग कॉस्ट है। अब ये आपने अपने मैन्युफैक्चरर से पूछना है कि वो आपको एक यूनिट के पीछे क्या कॉस्ट कर रहा है, यानी अगर वो आपको एक चीज़ जो है वो $20 की बना के दे रहा है, तो वो आपकी जो कॉस्ट है शिपिंग कॉस्ट है वो आपसे $2 ले रहा है, $1 ले रहा है, 50 सेंट्स ले रहा है, या $2.50 ले रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेट्स सपोज अभी हमारे जेन में शिप टू अमेजोन की कॉस्ट जो है वो है $2 एक प्रोडक्ट के पीछे। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये है एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड। ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि आप कितने यूनिट्स जो हैं वो स्टोर करेंगे, तो अभी हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम एक प्रोडक्ट ही लिखेंगे ना, बिकॉज हम इस वक्त एक प्रोडक्ट का कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने जो इन्वेंट्री स्टोर करनी है अमेजोन के वेयर हाउस में वो 500 600 हज़ार यूनिट्स, वो आगे की बात है, फिलहाल एक यूनिट हम ले रहे हैं तो एक यूनिट ही रहने देंगे। अब वो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या समझते हैं आप? वो कॉस्ट जो के वो आपको बना के दे रहा है, यानी आपने सेलर से कहा कि जी ये मेरी आइटम है, किचन मैट कितने की बना के दोगे, वो कहता है अच्छा भाई मैं तुम्हें ये बना के दूंगा लेट्स से $22 की। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट है जो उसने अपनी फैक्ट्री में आपको मैट बना के दिया, ये वो कॉस्ट है शिप टू अमेजोन जो उसने आपकी अपनी फैक्ट्री से बना के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाया। अब ये करने के बाद आपने इसे कैलकुलेट कर दिया, तो ये है जी आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि है 18%। ओ दिस इज सो बैड, ओह वी आर गोइंग टू बी लूजिंग सो मच मनी। नो, 18 नहीं देखना, अच्छा ये नेट प्रॉफिट नहीं देखना आपने, ठीक है, आपने ये वाला प्रॉफिट देखना है, नेट मार्जिन बेसिकली। तो जो नेट मार्जिन है वो 18% है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को कम होना चाहिए। आप उसे कहेंगे भैया $22 में तो मेरा प्रॉफिट ही नहीं है, ठीक है $19 में बना के दो। आप 19 में देखते हैं कैलकुलेट करके, तो 19 के अंदर आपका नेट प्रॉफिट और भी कम हो गया। ठीक है, सो इसका मतलब है दैट्स नॉट गुड, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है इट शुड बी मे बी $15, कैलकुलेट 5% आपका इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, $10 एंड लेट्स कैलकुलेट
हो दिस इज फाइन, मतलब कि $10 तक अगर वो आपको प्रोडक्ट बना के दे तो आपको प्रॉफिट 21% होगा, जो कि अभी भी अच्छा नहीं है, राइट। तो वो आपको प्रोडक्ट कितने की बना कर दे, कम से कम भी $8 करके देखते हैं। यस दिस इज क्वाइट बेटर, ठीक है। ये हमारा $8 की अगर वो बना के देता है तो 28% हमारा प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, हमें 30% तक चाहिए था। इसका मतलब है कि हम ऐसा करते हैं कि हम उस यहाँ उसे कहते हैं कि ये शिप टू अमेजोन की कॉस्ट क्या रहा है वो, ये वाली वन, ठीक है, ये वन की बजाय हमें थोड़ा कम करे, हमें $1 दे अगर, सो लेट्स सपोज, तो दिस इज गुड। अगर वो शिप टू अमेज़ॉन की यानी कि शिपिंग कॉस्ट अगर वो हमें $1 कर दे और हमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 8 की, मतलब टोटल हमें ₹9 की प्रोडक्ट बना के दे ये वाली, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन $31 तक, 31% तक आता है, विच इज़ वेरी 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 गुड। यानी ₹9 की चीज़ बना के अगर आप तकरीबन $30 की या $29 की बेच रहे हैं तो फिर आपके पास प्रॉफिट मार्जिन 31% आता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आपके पास दो तीन असाइनमेंट्स आएंगी जो कि आपने करनी है, एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू आस्क मी द क्वेश्चंस। इफ यू हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग येट, यू आर गोइंग टू हैव द असाइनमेंट्स एज वेल, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू द असाइनमेंट्स। देखिए अब अमेजोन का काम सही वाला शुरू हुआ है, ठीक है, ओके। नाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटिल टफ फॉर यू, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट वर्किंग एंड स्टार्ट फोकसिंग, ताकि आप लोग इस चीज़ के ऊपर अपने आप को मास्टर बना सके। विश यू वेरी गुड लक एंड सी यू इन द